नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करेंट फीलिंग्स क्या हैं, आपकी करेंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और यूनिवर्स का गाइडेंस। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कॉमेंट करना भी ना भूलिएगा। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा डिटेल्स है, आप उस डिटेल्स को पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि, ये रीडिंग होगी 2 से लेके 8 फरवरी तक की। 2 से लेके 8 फरवरी तक की जो वक्त है इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करेंट फीलिंग्स। एस ऑफ पेंटिकल्स, आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो पर्सन पैसे से रिलेटेड कोई नया काम शुरू करने के बारे में सोच रहा है या फिर रिश्ते में भी नई शुरुआत के बारे में बंदा सोच रहा है। देख लेते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। सिक्स ऑफ कप्स, द टावर, टेन ऑफ सोर्ड्स, ये बंदा या बंदी पहले सोच रहा था कि ये रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म है या फिर ये पहले इस रिश्ते को ख़त्म समझकर रिश्ते में स्टक था लेकिन अचानक से ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से उनको पुराने दिन याद आ गए हैं, पुराने वक्त, पुराने रिश्ते की जो अहमियत है वो याद आने लग गया है अभी। और ये रिकाउंसलेशन चाहते हैं आपके साथ। पहले इनको लगता था कि ये रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म है, फिनिश्ड, आपने इनको धोखा दिया, परेशान किया, ये वो एट्सेट्रा एट्सेट्रा, लेकिन बाद में हो सकता अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि उनको ये एहसास होने लगा कि ये रिश्ता अभी भी ख़त्म नहीं है। अगर ये चाहे तो इस रिश्ते को दोबारा से शुरू कर सकते हैं, नई शुरुआत कर सकते हैं, इसलिए वो नई शुरुआत के बारे में सोचने लगा है आपके पर्सन जो भी हैं। अभी हम देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं पाइसिस यानी मीन राशि। आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं पाइसिस, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स। हाई प्रिस्टस, अभी आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट एंड इंट्यूटिव हो गए हो, आप चुप रहना पसंद कर रहे हो, आप साइलेंटली चीज़ों को ऑब्जर्व करने में बिलीव करते हो, कर रहे हो, आप रिश्ते की हर पहलू को अपने तरीके से टटोल रहे हो, आपको लग रहा है कि सही गलत हर परिस्थिति को सोचना समझना आप समझने लगे हो। अभी आप जो है आप किसी और की बातों से अपना जो डिसीजन है वो नहीं लिया करते हो, अभी आप अपने तरीके से सोच समझ के डिसीजन लेना पसंद करते हो। कोई भी आपको कुछ भी आके समझा दे इस तरीके से नहीं होता है, ऐसा आप सोचते नहीं हो। अभी आप जैसे कि मैंने कहा आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इंट्यूशन का इस्तेमाल कर रहे हो। देख लेते हैं हाई प्रेस्टस, आप अपनी पोजीशन का, पोस्ट का भी ख्याल रख रहे हो। हो सकता है आप बहुत अच्छे पोस्ट में हो। द मून के कार्ड, नाइन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, किंग ऑफ कप्स के कार्ड, कहीं ना कहीं आप अपना इमोशन जो हाइड कर रहे हो ये दिखाई दे रहा है। पाइसिस, आप ही के रीडिंग में आप ही का कार्ड आया है, द मून का कार्ड। आप किसी बात से दुखी हो, परेशान हो, किसी झूठ से, किसी अननोन फेयर से, किसी परेशानी से आप परेशान हो। कहीं ना कहीं आप अपना नींद भी खराब कर रहे हो रातों का, आप सो नहीं पा रहे हो, आप परेशान थे, आपको ऐसा लग रहा था किसी ने आपको झूठ कहा है, परेशान किया है, धोखा दिया है, लेकिन धीरे धीरे आप में वो समझ आ गया है कि आपको खुद को ही अपने आप को संभालना पड़ेगा। तब जाके आपने अपनी एनर्जी को हाई किया और आपने सोचा
बोलने से ज़्यादा, रोने से ज़्यादा, परेशान होने से ज़्यादा ये अच्छा है कि मैं अपने आप में रहूं, साइलेंट रहूं, चीज़ों को ऑब्जर्व करूं सही तरीके से और सोचने की कोशिश करूं कि एक्चुअल में रिश्ते का फांडा क्या है, मतलब क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हुआ है, क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ये बंदा या बंदी कोई डिसीजन लेने का इंतज़ार कर रहा है। हो सकता है ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन का रिश्ता है, बंदा आपसे दूर रहता है। देख लेते हैं थ्री ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। द फूल के कार्ड, एम्प्रेस के कार्ड, ये अपने बारे में सोचने की कोशिश कर रहा है, खुद को खुश रखने की, खुद के बारे में सोचना, नई शुरुआत करना, रिस्क लेना अपने लाइफ में, नए चीज़ों को, नए नए तरीके को आजमाना, अपना सेल्फ केयर, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ डिपेंडेंसी, सेल्फ लव करने के बारे में सोच रहा है, इंतज़ार कर रहा है कि आप रिश्ते की जो बागडोर है ये उनके हाथों में आए और ये बैलेंस तरीके से अपनी लाइफ को भी चलाना चाहते हैं, रिश्ते को भी। उम्मीद कर रहा है बंदा या बंदी कि ये जो भी डिसीजन लेगा या लेगी आप उनका साथ दोगे। ये ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ। इस बार ये इक्वल गिव एंड टेक देने के लिए राजी भी हैं। ये चाहते हैं कि जो पहले हो गया था, क्योंकि टावर के बाद उनमें ये प्रोग्रेस हुआ है, वो समझने लगे हैं कि जो जिस तरीके से बंदा सोच रहा था वो उतना ख़राब भी रिश्ता है नहीं। और ये आपकी ब्यूटी से, आप अगर जेंट्स हो तो आप इतना हैंडसम हो, इस हर या फिर आप ब्यूटीफुल हो, जो भी हो, लेडी हो या जेंट्स हो, ये आपकी जो सुंदरता है ये उनको अट्रैक्ट कर रहा है। फिलहाल ये चाहते हैं आपके साथ रिश्ते को नई शुरुआत करने के लिए और आपको इक्वल गिव एंड टेक भी देना चाहते हैं। मुझे लगता है ये रिश्ते में कोई और भी है, आप दोनों के अलावा रिश्ता में, इस रिश्ते में किसी और की मौजूदगी है, लेकिन हो सकता है इन्होंने आपको पहले इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया था, लेकिन आपकी जो बुद्धि, आपकी जो सुंदरता, आपकी जो एक अलग तरीका है बात करने का, सोचने का, अपने आप को तैयार करने का, हर तरीके से आपकी बुद्धि की, हर तरीके से ये बंदा कायल है और ये चाहते हैं कि आपके साथ रिश्ते के एक नया शुरुआत के बारे में बंदा सोच रहा है। पहले जो इन्होंने नहीं दिया था ये चाहते हैं आप, वो सब कुछ वो आपको देना चाहते हैं। देख लेते हैं आप खुद क्या चाहते हो। फाइव ऑफ सोर्ड्स, आप कुछ भी चाहो लेकिन आपका ईगो आपको रोक रहा है। पहले भी आपने अपना इमोशन को हाइड किया। हाई प्रेस्टेस के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है आप जितना सोच रहे हो, जितना परेशान हो, उतनी परेशानी के बात है नहीं, लेकिन ये आपकी सोच है, आप जानो। आप किसी अननोन फेयर से पीड़ित हो, किसी चाइल्डहुड ट्रॉमा से भी पीड़ित हो सकते हो, तो वो उतना परेशान होने की बात तो है नहीं। फिर भी देख लेते हैं फाइव ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को, अगर हम क्लैरिफाई करें तो फाइव ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। नाइट ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है आप एक चाहते हो कि आपके पर्सन आपके तरफ आए, वो आपके तरफ आए, आपसे कोई बातें ना छुपाए, आपको कहीं ना कहीं अपने बारे में सारा चीज़ बताए। जैसे कि आप अननोन फेयर से डर रहे हो, आप कुछ चीज़ें अभी भी अपने दिल में दबा के रखे हुए हो, आपको वो चीज़ लेट गो करनी पड़ेगी। आप उनकी तरफ से प्यार को तो महसूस करना चाहते हो, लेकिन मुझे लगता है ईगो आपको परेशान कर रहा है। आपको अभी भी लग रहा है कि बंदा आपसे बातें छुपा रहा है, बंदा या बंदी। ये आप जो हो, आप खुद को ही खुद कंट्रोल कर रहे हो, आप अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो,
कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि आपके तरफ एक स्टेबल प्यार का ऑफर आए, फिर दोबारा से आप ये सोच रहे हो, अपने इमोशन को कंट्रोल करना चाहते हो, फिर सोचते हो नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जो हूँ जैसा हूँ सही हूँ। अपने तरफ से आप कोई एक्शन लेने के बारे में सोचना ये वो नहीं चाहते, और आप ये भी चाहते हो कि जो बात इन्होंने आपसे छुपाया था वो बात बाहर आ जाए। आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि बंदे ने आपसे झूठ कहा है, बातें छुपाई हैं, तो आप उस छुपे हुए बात को बाहर निकलना चाहते हो, बाहर निकलवाना चाहते हो उनसे। अभी हम देखेंगे इस रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है 2 से लेकर 8 तारीख तक की। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्रिप्शन से हमें काम करने के लिए हौसला मिलता है, और हमें ये लगता है कि आप हमें अपना प्यार और सब दे रहे हो और पसंद भी करते हो। देख लेते हैं पाइसिस, इस रिश्ते का आउटकम। एस ऑफ कप्स इन रिवर्स, कार्ड रिवर्स में आए, ये मैं कभी नहीं चाहती हूँ लेकिन पता नहीं कैसे आ गया। एस ऑफ कप्स इन रिवर्स, देखो जो प्यार आप दोनों के रिश्ते में होना चाहिए था, जो ओवरफ्लोनेस होनी चाहिए थी, जो सोल कनेक्शन महसूस करना चाहिए था, वो आप दोनों में से हो सकता है किसी एक ने महसूस नहीं करना है, या फिर अगर ये होना भी है तो अभी नहीं होना है। ये सब कप्स इन रिवर्स, जो हो सकता था, जो इमोशन ओवरफ्लो हो सकता था वो नहीं होगा, जो एक दूसरे के लिए जो प्यार महसूस होना हो सकता था वो फिलहाल के लिए नहीं होगा, जो परेशानी ख़त्म हो सकती थी फिलहाल के लिए वो नहीं होगा। देख लेते हैं एस ऑफ कप्स के कार्ड रिवर्स में क्यों आए हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टावर, टावर के कार्ड दो बार आए, मेजर चेंजेस, लेकिन वो कम होने के बावजूद भी ये सिक्स ऑफ कप्स के कार्ड भी 2 बार आए हैं। देखो इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन होने जा रहा है, सिक्स ऑफ कप्स 2 बार, टावर 2 बार। कितना भी कम हो अट्रैक्शन, कितना भी परेशानी हो, कितना भी एस ऑफ कप्स के कार्ड रिवर्स में आए, कुछ टावर मोमेंट ऐसा आएगा, कुछ परिवर्तन ऐसा होगा जिससे दोनों दोबारा से आप लोग रिकॉन्सिलेशन करने के बारे में सोचोगे, दोनों ही रिश्ते में दोबारा से आओगे, स्लोली बट श्योरली रिश्ता स्टेबल की तरफ जाएगा, रिस्क लेने के बारे में सोचोगे आप दोनों ही, या फिर किसी एक का बहुत ज़्यादा योगदान रहेगा इस रिश्ते में। अगर आप खुद को रोक के भी रखोगे पाइसिस, तो आप रोक नहीं पाओगे। आप किसी पाइसिस के साथ डील कर सकते हो, किसी जेमिनाई एक्यूरियस, कोई टॉरस वर्गो, किसी कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो, कोई एरीज के साथ डील कर सकते हो। आप लोग कोई एक है, बहुत इच्छा है जिनकी, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं, कोई एक है खुद को कंट्रोल करके रखेगा, जानबूझ के वो खुद को कंट्रोल करेगा, लेकिन कितना भी कंट्रोल करो होता वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो टावर मोमेंट के बाद फिर से रिकॉन्सिलेशन का जो भावना है वो आएगी आप लोगों के अंदर, और रिकॉन्सिलेशन होगा। अगर नहीं, पूरी तरीके से परेशानी में है रिश्ता, जिसका भी एनर्जी आ रहा है, किसी और की वजह से परेशानी हो सकता है, कितनी भी वजह हो, कोई भी हो, कोई इसे रोक नहीं सकता, रिकॉन्सिलेशन होगा, कार्ड बता रहा है ऐसा। देख लेते हैं यूनिवर्स का गाइडेंस क्या आता है आपके लिए। देखो यूनिवर्स भी क्या कह रहे हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। आपको जो हो गया उसे भूल जाना पड़ेगा, जो भी फिनेंशियल लॉसेस हुआ है, जो भी परेशानी है, जो भी दर्द है, जिस भी वजह से रिश्ते परेशानी में हैं, उस बात को भूलना पड़ेगा, जो हो गया सो हो गया।
उसी बात को याद कर कर के अगर आपने अपना नींद खराब किया, रोया धोया, ये वो किया, तो जो हो सकता है वो नहीं होगा। नाइट ऑफ कप्स के कारण एक स्टेबल लव ऑफर आपके तरफ आ रहा है। पाइसिस, आपके पर्सन हो सकता है आपको लव के बारे में स्टेबिलिटी देना चाहता है, लेकिन आप हो कि पुरानी बातों को याद करके बैठे हुए हो, पुरानी चीज़ों को बार बार रिकॉल कर रहे हो। पुरानी अच्छी बातों को रिकॉल करो ना, जो हो गया, जो बुरा है उसे क्यों रिकॉल करना। इसलिए यूनिवर्स भी आपसे ये कह रहा है कि जो हो गया सो हो गया, जो हो सकता है उसे एंजॉय करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।